क्या आप भी एक मास्टर स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ ऐसे 5 हैबिट्स जो सारे मास्टर स्टोरी टेलर डे टू डे प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। आपने भी कई बार मास्टर स्टोरी टेलर्स को देखा होगा जो स्टेज पे आते हैं, पीपल आर गिविंग देम स्टैंडिंग ओवेशन, क्लैपिंग फॉर देम, एंड आपको भी कई बार लगता होगा कि काश मैं भी ऐसा कुछ कर सकूं। नाउ आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट वो एक दिन में मास्टर स्टोरी टेलर नहीं बनते हैं, वो रोज़ कुछ हैबिट्स, रोज़ कुछ ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं जो आप भी कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वो ऐसी कौन सी 5 हैबिट्स है, 5 आदतें हैं जो आप कर सकते हैं? नंबर 1 इज कॉल्ड ऑब्जर्व एंड एनालाइज। आप किसी भी अच्छे स्टोरी टेलर को देखेंगे तो वो हमेशा दे आर ईगर टू लर्न, दे आर ईगर टू नो कि अच्छा ये कौन सी स्टोरी थी, इन्होंने ये कौन सा अच्छा हुक यूज़ किया, इन्होंने ये कौन सा अच्छा कॉल टू एक्शन दिया, इनका ट्रांजिशन कैसे हुआ। दे आर कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग अदर स्टोरी टेलर्स, एंड दिस इज ये सिर्फ स्टोरी टेलिंग के लिए नहीं, ये स्पीकिंग के लिए या इनफैक्ट किसी भी इंडस्ट्री के आप रीडर्स को देखोगे, दे आर ऑलवेज ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग कि और कैसे बेटर करना है। सो दैट इज द फर्स्ट हैबिट। हैबिट नंबर 2 इज समथिंग विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड बट स्टिल हैज अ वेरी डीप मीनिंग टू इट, एंड दैट इज राइटिंग। आप देखोगे जो भी अच्छे स्टोरी टेलर्स हैं वो रोज कुछ ना कुछ राइट करते हैं, वो कुछ ना कुछ लिखते हैं। दे विल कीप राइटिंग स्टोरीज, दे विल कीप रिफाइनिंग। सो राइटिंग डेली हैज बीन प्रूवन टू लिंक टू स्पीकिंग बेटर। तो अगर आप रोज कुछ जनरल करते हैं, कुछ स्टोरीज लिखते हैं, तो दैट कैन रियली हेल्प यू इन बिकमिंग अ बेटर स्टोरी टेलर। नंबर 3 एंड दैट इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। एंड दे जो मास्टर स्टोरी टेलर्स होते हैं वो प्रैक्टिस के भी मास्टर होते हैं। आई हैव सीन जो हमारे स्टोरी टेलर्स होते हैं, अमेजिंग स्टोरी टेलर, दे विल प्रैक्टिस इट टू द 100 टाइम, 200 टाइम, 500 टाइम। आई रिमेंबर मैं कुछ साल पहले स्पीच कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा था, एंड देन आई हैड मेड अ गोल कि मुझे कम से कम 100 बार तो उसको प्रैक्टिस करना ही है इसके पहले कि मैं जाऊँ। एंड आई नो कि बहुत सारे स्टोरी टेलर्स होते हैं, दे आर सो मच इनटू इट कि वो गाड़ी चला रहे हैं जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाथरूम में हैं तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं ऑन द वे हैं तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ और काम नहीं है तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यू हैव टू बिकम ऑब्सेस्ड विथ प्रैक्टिसिंग, इसका कोई देर इज नो एस्केप टू इट, देर इज नो शॉर्टकट टू इट। तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, इंटेंसिवली प्रैक्टिस करते हैं। तो जो थर्ड हैबिट, जो अगर आपको मास्टर स्टोरी टेलर बनना है, आपको डेवलप करने की जरूरत है, वो है प्रैक्टिस इंटेंसिवली। नंबर 4, एज दे से कि यू कांट बिकम अ मास्टर पीस अनटिल यू मास्टर द पीसेस, एंड व्हाट डज दैट मीन इज यू हैव टू गेट फीडबैक एंड रिफाइन। नाउ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाओ और हर किसी रैंडम पर्सन से फीडबैक लो, बट गेट क्वालिफाइड फीडबैक। आप हर मास्टर स्टोरी टेलर को देखोगे तो उनके पास कुछ एक या एक से ज़्यादा कोचेज होते हैं जो उनको कॉन्स्टेंटली फीडबैक देते रहते हैं। कई बार मैंने देखा है ऐसे भी स्टोरी टेलर्स हैं जिनके अलग अलग चीज़ों के अलग अलग कोच होते हैं, कोई वॉइस का कोच है, कोई बॉडी लैंग्वेज का कोच है, कोई स्टेज का कोच है, एंड इस तरीके से वो मास्टर फीडबैक लेते हैं और उसको अपने स्टोरीज को रिफाइन करते रहते हैं। दिस इज़ हाउ दे बिकम मास्टर स्टोरी टेलर। तो इफ यू वॉन्ट टू बिकम मास्टर स्टोरी टेलर, अगर आपको भी मास्टर स्टोरी टेलर बनना है तो आपको भी कॉन्स्टेंटली फीडबैक देना होगा किसी क्वालिफाइड पर्सन से, या तो कोच हो सकता है, आपका मेंटर हो सकता है, या कोई ऐसा हो जिसने वो काम किया जो आप करने जा रहे हो। जब आप उससे फीडबैक लेते हो एंड देन अपनी स्पीचेस को, अपने स्टोरीज को रिफाइन करते हो, दैट्स वेयर इट गेट्स टू अ स्टेज ऑफ बीइंग कॉल्ड एज अ मास्टरपीस। तो आपको चौथा जो सबसे बड़ा हैबिट डेवलप करने की जरूरत है वो है डेवलप द हैबिट ऑफ गेटिंग फीडबैक एंड कॉन्स्टेंटली रिफाइनिंग। एंड पांचवा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, एंड आई बिलीव हम सबको करना चाहिए, वो है सीक अपॉर्चुनिटीज एंड शेयर स्टोरीज। आपने दुनिया का बढ़िया से बढ़िया स्टोरी बना लिया, बट आपने अगर आपने उसको कहीं बोला ही नहीं, कहीं पे दिया ही नहीं, कहीं पे प्रेजेंट ही नहीं किया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो पाँचवा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैबिट है,
जो मास्टर स्टोरी टेलर्स में होती हैं, वो है कि वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, कहाँ मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, कहाँ मैं वो स्टोरी शेयर कर सकता हूँ। वो हो सकता है टोस्ट मास्टर क्लब में जाएं, अगर आप यूएस यूके में हैं तो यू कैन गो टू स्टोरी मॉथ, एंड ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जहाँ पे पीपल गो एंड प्रैक्टिस देयर स्टोरीज। तो वो अपॉर्चुनिटीज का वेट नहीं करते हैं, दे विल फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज, दे विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड देन मेक श्योर कि दे शेयर देयर स्टोरीज। कुछ नहीं होगा तो दे विल कम एंड शेयर इट ओवर इंटरनेट, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी। तो ये हैं 5 habits, लेट मी रिवाइज यू फॉर यू। नंबर 1 इज कि वो ऑब्जर्व और एनालाइज करते हैं, मास्टर स्टोरी टेलर। नंबर 2, वो रोज कुछ ना कुछ लिखते हैं, दे राइट डेली। नंबर 3, कि बहुत ही इंटेंसिवली प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 4, वो क्वालिफाइड फीडबैक लेते हैं एंड देन अपने स्टोरीज को रिफाइन करते रहते हैं। एंड 5, वो सीक एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं और वहाँ जाके अपनी स्टोरीज को प्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये 5 habits पसंद आए, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप ये हैबिट्स अपने डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व कर लें, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग द स्टोरी टेलर दैट यू डिजर्व टू बी। Until next time, as I say every time, keep learning, keep growing, and keep going out of your comfort zone. This is Aritosh Srivastav. I'll see you in the next one.